गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग गाइस, फास्ट बोल देती हूँ। अभी 9:30 हो रहे हैं और आज भी हम लोग जा रहे हैं मिलने के लिए इंटीरियर से। आज हम लोग इंटीरियर का ऑफिस में नहीं मिलने जाएंगे, आज मिलने जाएंगे हम लोग हमारे जो अपार्टमेंट खरीदे हैं वहाँ पे, क्योंकि हम लोग अपार्टमेंट के अंदर थोड़ा सा तोड़ फोड़ करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हैं। हम लोग मॉड्यूलर किचन बनाएंगे और जिसमें बहुत सी चीज़ मुझे चेंज करना है। जैसे ग्रेनाइट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, जो जो बिल्डर्स ने दिया है, तो इसलिए हम लोग इंटीरियर को देखकर वो ग्रेनाइट चेंज कराएंगे। और बीच में एक वॉल है उसे भी हमें तोड़ना है, तो ये सब चेंजेस कराएंगे। मगर उसके लिए हमें चाहिए परमिशन बिल्डर्स से। ग्रेनाइट तो सब लोग उठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जो वॉल है उसे तोड़ सकते हैं नहीं है, तो उस चेंजेस के लिए हमें बिल्डर से मिलना है। और बिल्डर्स अगर परमिशन देंगे तो वो वॉल तोड़ेंगे, क्योंकि अगर स्ट्रक्चरल चेंजेस है तो उन्हें वो लोग नहीं करने देंगे। तो इसलिए सुबह सुबह निकल गए हैं। बहुत सारा काम होता है जब अब नया घर खरीदो। हम लोग जब यूके में भी नया घर खरीदे थे तभी भी हमारा बहुत सारे काम था, मगर यूके में ये सब चीज़ थोड़ा सा आसानी से हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है क्योंकि कोई टाइम से नहीं आते हैं और बार बार घुमाते रहते हैं। देखते हैं आज कितना दूर तक हमारा काम आगे चलता है। हाफ एन आवर से वेट कर रहे हैं बिल्डर्स के लिए। इंटीरियर जो करेंगे वो भी आ गई है, सिर्फ वेट कर रहे हैं बिल्डर्स के लिए। और अभी हम लोगों ने कॉल किए थे, उन्होंने बोला कि 10 मिनट्स और। सोचो टाइम की कोई भी कदर नहीं है, कितना देर से खड़े हैं। और यहाँ पे अभी नया बिल्डिंग है, नया घर है, तो फैन वैन तो कुछ है नहीं, गर्मी में मर रहे हैं, सड़ रहे हैं। और देखो कितना स्वेटिंग हो रहा है, इसको देखिए क्या व्यू है बालकनी से। ऑसम ना। उन्होंने बहुत देर करके आए और मिलने के बाद कितना देर पता है, 55 मिनट्स हम लोग को वेट कराया। एक्चुअल जो बिल्डर से उनसे तो नहीं मिला, जो साइड में काम करते हैं, जो साइड के लिए देखते हैं वो उनसे मिले थे। उन्होंने हम लोगों को बताया क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते, उनसे कुछ कुछ परमिशन मिले हैं, कुछ कुछ नहीं मिले। देखते हैं जो जो नहीं मिले उसका कुछ और अल्टरनेटिव सोचना पड़ेगा। कोई बात नहीं, वो तो होता ही है, कुछ कुछ तो उन लोग नहीं देंगे क्योंकि बोल रहे वो स्ट्रक्चरल चेंज हो जाएगा इसलिए। और हम लोग अभी निकल गए हैं वहाँ से, और हम लोग अभी हम लोग अभी जा रहे हैं एक इवेंट अटेंड करने के लिए बस। और यहाँ पे कोई फ़ोन में गाना चला दिया है, बदमाश। ये है बदमाश बैठी हुई जो गाना चला दिया था बीच में। सॉरी बोलने से क्या होगा। ठीक है गाइस, वहाँ पहुँचने के बाद फिर से आप लोगों से बात करते हैं। हम लोग पहुंच गए हैं इवेंट पे, और इवेंट पे पहुंचते ही उन लोगों ने एक वार्म सा वेलकम किया है। और ये जो इवेंट है वो है एक मॉल की फूड कोर्ट की ओपनिंग का। चेन्नई में एक मॉल है, उस मॉल का नाम है फिनिक्स, और फिनिक्स मॉल की बगल में ही है और एक मॉल जिसका नाम है पलाडियम। और पलाडियम मॉल में जो है ज़्यादातर लग्जरी ब्रांड ही मिलते हैं, और उस मॉल में आज फूड कोर्ट का ओपनिंग है, तो उस फूड कोर्ट के ओपनिंग के लिए हम लोग को इनवाइट किया है।
और बहुत प्यारा सा डेकोरेशन करके रखा है, बहुत ब्यूटीफुल है फूड कोर्ट। इतना भूख लगा है कि मैं डिजर्ट और खाने में कुछ फर्क नहीं समझ पाई, क्योंकि जब पेट में कुछ ना हो तो दिमाग काम नहीं करता, वो सही है। Be careful. Be Chicken in Szechuan sauce. Ooh. Nice. पास्ता चकी करी वेज करी हो वेज वेज पास्ता हाँ दिस वन फ्राइड राइस आई थिंक नो नो इट्स ओके फ्राइड राइस नहीं कर सकते हो तो म्यूजिक डालने वाले कौन बात करने वाला है वो मम्मी मैंने कोथाय देखा क्या है स्टफ पराठा दही डिजर्ट ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है हाँ वही मैं देख रही हूँ क्या है ये चॉकलेट क्यूट लुक्स लाइक रीसेस बटरकप खाने चले हाँ तब ये मेरा दिमाग काम करेगा नहीं तो कर नहीं रहा चमचमाती लाइट जलती हुई चेन्नई कितनी सुंदर लग रही है और आज का दिन बहुत ही बिजी था हम लोगों ने बहुत एंजॉय किए आई होप आप लोग भी मेरा ब्लॉग को एंजॉय कर रहे हो अगर एंजॉय कर रहे हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा
मैं फिर से मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।